हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आप इंटीरियर देख के समझ गए होंगे कि हम मारुति की तरफ से आने वाली एस्प्रेसो में बैठे हैं। अभी इसका मेन जो अट्रैक्शन है भाई, वो है इसका ये मीटर। ये मारुति इसमें बीच में देता है, इटियोस लीवा की तरह, इटियोस की तरह टोयोटा का जो बीच में आता है वो यहाँ पे देता है। आरपीएम वगैरह की सुई इसमें नहीं आती है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी ये वाली जो स्पीड हो, ये जहाँ जीरो लिखा है, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो अभी ये है टॉप मॉडल इस सेगमेंट का, मतलब एस्प्रेसो की रेंज में अगर आप उठा के देखते हो तो इससे ऊपर कुछ नहीं आता है। इसमें आपको दो आगे की पावर विंडो मिल जाएंगी, टच स्क्रीन मिल जाएगा जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है, मारुति के द्वारा आती है। प्लस माइनस वॉल्यूम, यहाँ ट्रैक चेंज कर सकते हो, म्यूट कॉल उठा लो काट लो, वॉइस कमांड भी मिल जाती है। यहाँ पे आपकी इसमें नहीं है पावर विंडो, यहाँ है थोड़ी सी, ये मेरे को अच्छी नहीं चीज लगी। बाकी ओनर से तो सारी चीज पूछेंगे ही हम। यहाँ पे आपको इतनी कुछ स्पेस मिल जाती है, यहाँ इतनी कुछ मिल जाती है, बाकी ये आर्मरेस्ट पूछते हैं ओनर से, सारी बात करेंगे भाई से। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं गाड़ी के, इतनी कुछ स्पेस यहाँ मिल जाती है। एयरबैग भाई कंपलसरी, जब से सरकार ने करे हैं हर गाड़ी में एयरबैग आते ही आते हैं। यहाँ की बात कर लें, कोई भी शीशा नहीं मिलता, यहाँ की बात कर लें कोई भी शीशा नहीं मिलता। यहाँ एक व्हाइट लाइट मिल जाती है और ये ऑटोमेटिक, ये एडजस्टेबल भी नहीं है भाई। तो आज हम इस गाड़ी का पूरा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं सार्थक भाई के द्वारा। सार्थक भाई बताएंगे कि उन्होंने 2020 में जब ये गाड़ी ली तो सुख और दुख इसके क्या हैं, एडवांटेजेस तो बताएंगे, डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। मारुति की गाड़ी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं बॉडी के लिए, वो भाई से पूछेंगे कि भाई कितना सहमत है इस चीज से। तो सबसे पहले सार्थक भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई आज आप अपनी एस्प्रेसो लेकर आए हो। अभी जब पहला सवाल मेरा आपके लिए आ रहा है वो ये है कि इसका जो मेन राइवल है, देखो पंच तो बाद में आई है, पंच बाद में है। तो पंच को अभी इसमें नहीं लेते हैं फिल्म में। मेन राइवल इसका आता था रेनो की क्विड। क्विड इसको बहुत राइवल करती थी। और यहीं अगर मैं थोड़ा सा थोड़ी महंगी सेगमेंट की बात कर लूँ तो ह्यूंडई की एक सेंट्रो गाड़ी आती है, टाटा की बात कर लें एक टियागो गाड़ी आती है। और तो भाई सब छोड़ के आप गए मारुति एस्प्रेसो के लिए, क्या रीजन? देखो सबसे पहली बात, अगर बात करें किसी और सेगमेंट की गाड़ी की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं i10 न्योस भी उस समय हो गई थी ऑलमोस्ट लॉन्च, और अगर हम टिगोर की बात करें या हम क्विड की बात करें, तो देखो क्विड मेरे को कोई एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो मैं डे टू डे लाइफ में चलाऊं तो मेरे को यू नो मेरी पॉकेट पे वो हार्म ना करे। क्योंकि आप सबको पता है सुजुकी के जो पार्ट्स हैं, सुजुकी की मेंटेनेंस है, सुजुकी की माइलेज, अभी भी देखो इतना हम चला के आए हूं मैं, इतनी रैश तब भी 18 की तो अभी भी दिखा रहा है, और मीटर के हिसाब से भी एक दो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, बट काफ़ी अच्छी इसकी माइलेज है। और जब से मैंने गाड़ी लिया है मेरे को कभी भी इसमें कोई मेजर खर्चा आया ही नहीं, 2 साल हो गए इसको चलाते चलाते। तो इसीलिए भाई मैंने ये ली रेनो के, आपको पता ही है काफ़ी महंगे है पार्ट्स वगैरह भी, और टाटा के भी फॉर श्योर है ही सर्विस महंगी है इससे। तो भाई अभी जैसे आपने बताया 2 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, किलोमीटर कहाँ दिख रहे हैं इस गाड़ी के? भाई किलोमीटर ये हमारी चल चुकी है 34,112 किलोमीटर। ये देख लो भाई आपकी, हाँ ये देख लो 34,112 किलोमीटर भाई ने गाड़ी चला दी है। 34,000 किलोमीटर जैसे आपने चलाई भाई, भाई तो इसकी आपने दो मेजर करवा ली होंगी, जिसमें 10,000 वाली, 20,000 वाली, और 30 भी करा ली होगी आपने। हाँ, 30 भी करा, तो 3 कराई आपने जो पेड सर्विस है आपकी। एक्सपीरियंस कैसे मारुति के साथ भाई? देखो एक्सपीरियंस ऐसा है कि काफी ना वहाँ पे बहुत, मतलब मारुति को एक चीज मैं अगर कोई मारुति से देख रहा है तो बोलना चाहूंगा, देखो आप सेल्स पे ध्यान दे रहे हो और आपको पता आपकी गाड़ियां बिकती हैं, मतलब अगर आज आप रोड पे 90% गाड़ियां मारुति की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे मारुति हेटर्स कुछ भी बोले बट मारुति है, बिल्कुल भाई है ना। बट यार उनके जो सर्विस स्टेशन वगैरह ना उसमें बहुत रश रहता है भाई, मतलब उनको ना उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर आज भी मेरे को सर्विस कराने जाने होते हैं ना, टू बी वेरी फ्रैंक मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सुबह 8 बजे उठ के भाई निकलता हूँ कि मेरा सबसे पहला नंबर आए, उसमें भी मेरे को लाइन में कटाओ के 10वें या 12वीं गाड़ी मेरी होती है सुबह 8 बजे। सो थोड़े से सर्विस स्टेशन को एक्सपैंड करो, बाकी कोई इश्यू नहीं है भाई इसमें, कोई इतना बड़ा खर्चा खुर्चा कुछ नहीं आता, नॉर्मल सा 2.5 से 3 हजार रुपए के अंदर अंदर ही सर्विस हो जाती है। बाकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है भाई? भाई हॉस्पिटैलिटी तो देखो मारुति की अच्छी है, बट मेरे को लगता है मारुति नेक्सा वाले कस्टमर्स को काफी ज्यादा वो ध्यान देते हैं। ये अरीना में आती होगी ना? अरीना में आती होगी। भाई मैं बता दूं अरीना इनकी जो नेक्सा में इनकी थोड़ी लग्जरी गाड़ी आती है, CIS आ जाती है आपकी, ये आ जाती है बलिनो आ जाती है, XL6 वगैरह आती हैं इसमें, आपकी स्विफ्ट आ जाती है, ये आ जाती है, प्रेसो आ जाती है, ब्रेजा आ जाती है, ये गाड़ियां अरीना में आती हैं। बाकी जैसे ही भाई एक हमने चीज़ सुनी है कि मारुति की गाड़ी का AC बहुत कामयाब है, आपका क्या कहना है? भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, इस गाड़ी का AC ऐसा है ना कि मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप 5.5 लाख रुपए की गाड़ी में बैठोगे, आपको सच में ऐसा फील आएगी कि इनोवा के AC को सच में टक्कर दे रहा है। सही बात है। चाहे पीछे वाला ठीक है थोड़ा सा मतलब वो रहता है, बट आगे वाले पैसेंजर को AC की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आती बिल्कुल भी नहीं भाई। तो ये है भाई। बाकी भाई जैसे कि अभी आपने दिखाई कि आपने 34 चला ली है, 34 में लॉन्गेस्ट ट्रिप इसकी कौन सी रही?
भाई लॉन्गेस्ट ये गई थी राजस्थान गई थी गंगानगर एक अच्छा। ही दिन में सुबह हम निकले थे 5 बजे और 450 किलोमीटर गई थी 450 किलोमीटर आई थी, रात को 12 बजे तक हम लोग अपने घर में थे, तो एक दिन के अंदर मोटा मोटा 1000 किलोमीटर गाड़ी चली चल गई थी। कितने जने थे जर्नी में? दो ही थे भाई, मैं और मेरे जीजू थे, बस दो जने थे। तो दो जने जब इस गाड़ी में जर्नी में गए तो कम्फर्ट कैसा पाया भाई? देखो दो बंदों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट था हमारे को, बिल्कुल रास्ते में हमारे को बारिश भी बहुत थी उस दिनों में और मतलब धूप भी कहीं कहीं बहुत थी, राजस्थान का आपको पता है मौसम का पता नहीं लगता, बट हमारे को बीच में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यू नो कोई लाग आ रहा गाड़ी में या कोई बारिश के मौसम में कोई स्लिपिंग हो रही है उसके व्हील्स या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, काफ़ी अच्छा हम लोगों का सफ़र रहा और एक ही दिन में हमारे को रात को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यार अब बस हो गया है। तो भाई ये क्या है यार, भाई देखो आप आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट अच्छा है। फिर तो चलो ठीक है, मैं नहीं गिनूंगा इसको आफ्टर मार्केट है, तो मेरे को लगा कंपनी ने ही दिया है ये। नहीं भाई इसके अंदर सिर्फ दो चीज आफ्टर मार्केट है, एक ये और एक बेस ट्यूब, बाकी स्पीकर वीकर जो सब आप देख रहे हो सब स्टॉक है, स्टॉक है, आपने नहीं छिड़वाई ज्यादा नहीं छिड़वाई बाकी है। बाकी जैसे कि भाई एक चीज हमने सुनी है कि जो एस्प्रेसो है इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, जैसे एस्प्रेसो ही नहीं मारुति की हर गाड़ी को क्रिटिसाइज करा जाता है उसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, आपका क्या कहना है? भाई देखो मैं सब चीज़ों में तारीफ नहीं करूंगा इस गाड़ी की, ऐसा है मैं आपको सच्ची बताऊं, जब मैंने 2020 में ली थी तो मेरा एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना रहता था, पंजाब साइड लुधियाना शुलाना हमारा एक्चुअली जाना आना रहता है, हर महीने एक बार ही तो चक्कर हो जाता है। तो जो इसका राइट वाला गेट है ना भाई, जिस तरह आप बैठे हो वो वाला गेट उसी मतलब 2-3 महीने के बाद ही ना जब आप हाईवे पे चलाओगे तो घट 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 अच्छा बहुत मतलब ऐसा लगता है देखो पापड़ का गेट है, देखो बहुत ही मतलब पापड़ पापड़ है भाई ये सच में पापड़ अच्छा कभी कभी तो मन करता भाई ये पापड़ को ना मतलब तोड़ दूं जब पंच का गेट लगा दूं ये तो लेकिन भाई देखो यू नो आप एक ही चीज से 2-3 चीजें नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ तो आप माइलेज देख लो या आप हैवीनेस देख लो या आप अपना बजट देख लो या आप डे टू डे में कंफर्ट देख लो, सही बात है भाई। आप अगर सब चीजें चाहो तो वो तो देखो कभी भी नहीं मिलता है। बाकी भाई ये वार्निंग क्या है, क्या आई है भाई? ये वार्निंग मेरे को लग रहा है पेट्रोल की और सीट बेल्ट की वार्निंग। अच्छा उनकी है, वरना तो नहीं आती ना नहीं भाई इसमें कोई। बाकी इसमें आपकी रेंज दिखा देता है, टाइम दिखा देता है, गाड़ी की रेंज दिखाता है इसमें? गाड़ी की रेंज दिखाता है बट अभी जैसे लो फ्यूल है तो ये तो नहीं दिखाएगा, पूरी हिस्ट्री दिखाएगा जैसे यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, 28 की पहले ट्रिप में मारी मतलब सारा कुछ बताएगा ये 18.18 ये तो मतलब काफी इन्होंने लग्जरी दे रखी है इसमें। और इसमें भाई एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों चलते हैं, जो XUV 700 और काफी अच्छा है वो भी, उसमें कोई लैग नहीं है। ये तो है भाई। बाकी जैसे कि भाई आप इस गाड़ी को चलाते हो पर डे की आपकी कितनी किलोमीटर की रनिंग है? भाई देखो ये गाड़ी ना मेरी फैक्ट्री वगैरह में भी चलती रहती है तो इसकी कभी कुछ नहीं बताता, कभी 200 किलोमीटर भी एक दिन में अच्छा। चलाता हूँ, कभी 100 भी चलती है और कभी कभारी 50-60 में भी हो जाता हो जाती है, मतलब 50 कभी ऐसा तो भी होगा खड़ी रही है पूरे, मतलब 50 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट चली जाती है क्योंकि मेरी फैक्ट्री आना जाना तो है ही है, उसके अलावा अगर फैक्ट्री से कोई वर्कर वर्कर कहीं ले गया तो फिर वो 100-150 किलोमीटर ऊपर चलेगी। अच्छा आपने मेरे को बताया कि आप राजस्थान गए थे लॉन्ग ट्रिप पे, उसमें भाई मेन सवाल ये आता है मारुति गाड़ी एवरेज बहुत देती है, तो आप 1000 किलोमीटर की ट्रिप बता रहे हो तो इसमें कितनी टंकी मांग ली इसने? यार एक्चुअली क्या है कि मैं काफी पहले गया था तो इतना प्रॉपर ध्यान नहीं मेरे को याद नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसने हमारे को कंटिन्यूस जो माइलेज दी सिटी में भी और बाहर को कुल मिला के वो 21 की दे रही थी भाई, 21 की 23 किलोमीटर दे रही थी, बट मेरे हिसाब से 21 दो घटा लिया करो मीटर से उस समय। एक्चुअली यह पेट्रोल भी काफी सस्ता था, ये जब नई नई आई थी हम तभी चले गए थे, तो आजकल तो आपको पेट्रोल का भी पता ही है भाई। तो एग्जैक्ट नहीं मैं बता पाऊंगा बट 21 के आसपास हम। बाकी भाई कुछ वेटिंग वगैरह थी इस गाड़ी पे? एक्चुअली जब मैंने नई नई ली थी तो उस समय मेरे को 10 दिनों की सिर्फ वेटिंग थी क्योंकि उस समय मार्केट में जस्ट आई थी, उस समय CNG वेरिएंट भी नहीं था, नहीं तो मैं शायद CNG ले लेता। ये प्योर पेट्रोल है? ये प्योर पेट्रोल है। इसे चलाने वाइज आपने पूरा पंजा दबा दिया एक बारी तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, ये टू टू करती रहेगी। अब आप इस गाड़ी का पंजा दबाओगे ना तो भाई ये नहीं मानती किसी को कुछ भी, देखना मतलब कि ये 1000 cc के इंजन में मारुति की इतनी जान है तो मारुति अगर इसमें थोड़ा और बड़ा इंजन डाल देती तो कितना होता। बाकी ये तो आप अभी AC में देख रहे हो, अभी जैसे 5th गियर लगा हुआ है गाड़ी का और 5th गियर में आप इसे चलाओ 70-80 की स्पीड पे तो बढ़िया एवरेज निकाल देंगे भाई, भाई। आपको लाइव भी दिखाते हैं देखो, अगर आप पंजा एकदम 36 40 44 मतलब ये बहुत
अच्छी माइलेज देती है भाई। ये तो है भाई, ये तो मैं खुद कहता हूँ कि एस्प्रेसो की बात ही है यार अलग ही, इस चीज़ में तो वही है ही नहीं कोई। तो ये था भाई एक सार्थक भाई के द्वारा पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। बाकी काफ़ी डाउट रहते हैं लोगों के मन में कि भाई एस्प्रेसो लूँ या ना लूँ, तो भाई का एक खुद का भी यूट्यूब पे चैनल है, किस नाम से है भाई? भाई मेरा सार्थक डावर के नाम से है। नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप भाई को मेल करो, इंस्टा करो, कुछ भी करो, भाई आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि यार देखो ये कुछ सेगमेंट में ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोग डाउट करते हैं। अब जैसे इनकी वैगनर स्विफ्ट पे कोई डाउट नहीं करेगा, वो तुरंत ले लेंगे, लेकिन एक बार अगर एस्प्रेसो का नाम आएगा थोड़ा लोग सोचेंगे पंच लूँ, क्विड लूँ, एस्प्रेसो लूँ। तो ये है, बाकी आप भाई को कर लेना मेल वगैरह या जो भी भाई आपको रिप्लाई कर देंगे, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। बाकी मैं चला रहा हूँ तो गाड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची सी फील होती है, क्योंकि ये थोड़ी है माइक्रो एसयूवी भाई, माइक्रो एसयूवी में आती है ये गाड़ी, बहुत अच्छी है। और थ्री सिलेंडर जो है ना थोड़ी आवाज़ तो करता ही है भाई, थ्री सिलेंडर में आवाज तो है, मतलब गाने वाने चला के नहीं सुनाई देती होगी भाई बिल्कुल भी। मतलब मेरे को लगता है कि रिफाइंड है इंजन, बट देखो थोड़ा बहुत नॉइज 5.5 लाख की गाड़ी में आप मान सकते हो, बट वैसे इतना कुछ है नहीं। बाकी सार्थक भाई अभी जो मेन सवाल हमारी जनता सोच रही होगी वो ये कह रही होगी कि यार अभी इस बंदे ने तारीफ ही तारीफ कर दी, डिसएडवांटेज कुछ बता ही नहीं रहा। तो भाई थोड़ा डिसएडवांटेज इस पे आते हैं गाड़ी की, कि सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी मत बोलना, वो तो है ही है। सेकंड कोई डिसएडवांटेज बताओ भाई। भाई देखो सेकंड डिसएडवांटेज इसमें गाड़ी में ये है कि इसमें ना बॉडी रोल बहुत ज्यादा है, मतलब क्योंकि अगर आप ये भाई साहब ये बॉडी रोल पूरी झूल जाती है भाई, ये तो मतलब आपको सच में एक टाइम पे ऐसा लगेगा जब जो कर्व पुल्स वगैरह होते हैं, स्कॉर्पियो है ये, तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार मतलब अब गाड़ी पलट गई। हालांकि ये मेरे साथ कभी ऐसा टचवुड हुआ नहीं, बट आपको सच में अंदर से ना काफी डर लगता है कि यार मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है इस गाड़ी के साथ। बाकी सेफ्टी के लिए लोग कहते हैं कि सेफ्टी में कुछ भी नहीं है, तो ये एक फीचर मैं दिखाना चाहूंगा। देखो ये अगर मैं अपनी सीट बेल्ट भी उतार देता हूँ तब भी ये वार्निंग मारेगा यहाँ पे, और टू 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 इसकी बेइज्जती रहेगी। वो तो इनकी ज्यादातर गाड़ियों में है ही। हाँ भाई, तो इसमें भी सेफ्टी का दे रखा है। जो लोग ऑल्टो ऑल्टो से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑल्टो में ये सब चीजें नहीं है भाई, तो एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बाकी भाई मैं एक बार आपको इसका 0 to 100 करके दिखा देता हूँ, एसी ऑफ में कितने सेकंड में जाती है 0 to 100 तक। आपकी स्क्रीन के नीचे टाइमर होगा, वहाँ पे देख लेना। बहुत ही बढ़िया व्हील स्पिन, सेकंड गियर में जाएगी आपकी 82 तक, और चल चल, और भाई अब थर्ड गियर में चढ़ जाएगी आपकी 100। आपकी स्क्रीन के नीचे टाइम आ गया भाई, वहाँ पे आप देख लो कि कितने सेकंड में चढ़ी है, और गाड़ी बहुत बढ़िया भाग रही है यार। सार्थक भाई ये क्या पावर का फ्यूल डलवा कर लाए हो क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसे भाग रही है? कोई ट्यूनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, एकदम स्टॉक गाड़ी है, इसमें कुछ भी मैंने छिड़वा दिया। बहुत सही यार, फिर तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया भाग रही है। तो ये था भाई सार्थक भाई के द्वारा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपकी एस्प्रेसो का। बहुत डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में, ले या ना ले, तो आपने देख लिया भाई आपको लेनी चाहिए या नहीं। भाई ने इसके सुख बताए, भाई ने इसके दुख बताए, दुख में भाई ने बात करी सारी चीज़ों की, सुख में भाई ने बात करी कि इनको कैसे पसंद है कैसे नहीं। बाकी भाई फैमिली के लिए कैसा सजेस्ट करो, पीछे स्पेस अच्छी है इसमें या नहीं? भाई फैमिली के लिए मैं सच्ची बताऊँ, इसमें एक एडवांटेज ये है फैमिलीज को, क्योंकि इसका डैशबोर्ड दिखाओ एक बार, डैशबोर्ड सिर्फ इतना सा डैशबोर्ड है इसका, तो और मतलब वैगनर वगैरह का इतना बड़ा बड़ा डैशबोर्ड है, तो छोटे होने की वजह से क्या है इसमें कैबिन स्पेस ना काफी है। अगर आप पीछे मतलब हम लोग जब जाते हैं तो एक मेरा छोटा मतलब भांजा है, उसके लिए हम अगर चेयर भी यहाँ पे रख देना बीच में छोटी सी, तो जैसे लॉन्ग जर्नी में तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, मतलब काफी कैबिन स्पेस है जस्ट बिकॉज इसका डैशबोर्ड छोटा है। तो हर चीज के भाई देखो नुकसान भी होते हैं फायदे भी होते हैं, तो यही है भाई, मेरे को तो इसका फायदा ही लगता है कि इसकी वजह से हमारे को एक्चुअल प्रैक्टिकली स्पेस ज्यादा मिल रही है। तो ये था भाई, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक देखिए तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।